हम आ गए हैं माइनक्राफ्ट में फिर से। और भाई मॉडर्न माइनक्राफ्ट वालों की आदत हमेशा कुछ ना कुछ एक गिफ्ट के साथ भेजते हैं, और इन्होंने अभी हमें दी है एक बुक जिसमें लिखे हैं भाई बहुत सारे क्विस्ट। और पहले क्विस्ट भाई मैंने कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ पे स्पॉन होके। तो भाई यहाँ पे कुछ मुझे बुक्स मिली है जो एनिमल पीडिया वगैरह है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अपना सफ़र हम शुरू करते हैं। शुरुआत हमारी बहुत ही अच्छी हुई है, हमें इतना अच्छा बायोम मिला है जहाँ पे चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर है। और मुझे सामने एक पेड़ मिलता है जिसपे भाई मतलब अजीब सी रोशनियाँ लाइटें वगैरह थी, लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं थे, तो भाई मैंने उस पेड़ को तो छोड़ दिया। साइड वाले एक पेड़ से जाके मैंने क्राफ्टिंग टेबल और अपने बेसिक टूल बनाए जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो फाइनली हमारे बेसिक टूल्स जो है वो बन चुके थे भाई। साथ ही में मुझे यहाँ पे कुछ ब्लूबेरी भी मिल गई थी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही थी भाई देखने में, तो वाओ। और उसके अलावा भाई मैं माउंटेन्स पर चढ़ा था, वहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके की शिप है। अब वेज तो मिल ही गया हमें, तो नॉन वेज भी सही भाई। अभी बस मैंने शिप को मारा ही था कि मैं थोड़ा सा और ऊपर गया तो मुझे वहाँ पे कोल मिल गया, और साथ ही में एक अजीब सी गाय दिखी। मैंने उसका नाम देखा, उसका नाम यटी था, काओ यटी भाई। और साथ में एक बहुत ही रेयर पक्षी भी मुझे मिला जो कि माउंटेन्स में ही दिखता है, यानी कि फिनिक्स। ये बहुत ही रेयर होता है वैसे यार, मेरी अच्छी किस्मत है। तो भाई मैंने सोचा कि इन काउस को मैं मारूंगा, ये नॉर्मल काउ की तरह हो गए, लेकिन भाई इन्होंने मेरी बैंड बजा दी, इन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। तो भाई मैं यहाँ से आगे चल पड़ा। और साथ में गाइज यहाँ पे कुछ डंजन वगैरह थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहे थे भाई, क्या स्ट्रक्चर थे। डंजन में तो मैं अभी फाइट नहीं ले सकता था क्योंकि अभी भाई अपने पास इतने हैवी गेयर्स नहीं है, लेकिन मुझे एक गाँव मिल गया जहाँ पे वेस्ट स्टोन था भाई। वेस्ट स्टोन को मैंने फटाफट टच किया और अपनी आदत से मजबूर गाँव को लूटना शुरू कर दिया भाई। ये माइनक्राफ्ट में है भाई, मतलब लूटना पड़ता है भाई, वरना अपना काम ही नहीं चलेगा। गाँव को अच्छी तरीके से लूटने के बाद भाई अपने को कुछ फूड वगैरह, एप्पल वगैरह, ब्रेड वगैरह मिल गई। साथ में मुझे एक कैप भी मिली भाई जो कि मतलब एक लाइब्रेरियन की कैप थी। आपने देखे होंगे ना लाइब्रेरियन को कैप पहने में, वो वही वाली कैप थी। घूमते घूमते रात कब हो गई पता ही नहीं चला, तो मैं सो भी गया भाई वहीं पर ही। और सुबह होते के साथ ही मैं अपनी नाव बना करके चल पड़ा भाई अपने सफर पे, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ एक ऐसा प्लेस ढूंढना था जो कि मेरे लिए परफेक्ट हो। एंड फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो जगह मुझे मिल गई है। रेगिस्तान के किनारे पे एक गांव बसा हुआ था जहाँ पे थोड़ी हरियाली भी थी और वहाँ पे मॉब्स भी बहुत कम थे। तो भाई वहाँ पे मैंने अपना बेड वगैरह जो भी है अपना सेटअप वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। और भाई मैंने एक जगह भी थोड़ी सी प्लेन कर ली और अपना वहाँ पे बेसिक सेटअप लगा लिया। और हाँ, अपना बेसिक सेटअप मैंने लगाया ही था कि एक रकून मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान भाई, अपने आप ही चेस से खाना निकाल के खा रहा है मेरी।
तो मैंने सोचा यार देखो इनसे पंगे लेने तो बेकार है, ये झुंड में रहते हैं बहुत सारे, कभी मेरे को लपेट ले। तो भाई मैंने इनको खाना वाना खिलाया और इनसे दोस्ती कर ली। ये भाई मतलब एक दो नहीं थे, काफ़ी सारे थे। फिर मैंने अपने घर की नींव टेकनी शुरू करी, क्योंकि अभी घर तो बनाना ज़रूरी था ना, इसके बगैर तो भाई हमारा सर्वाइवल ही अधूरा है। तो मैंने अपना घर बनाना शुरू किया और पास ही में भाई एक रिवीन के नाम पर छोटा सा गड्ढा था वहाँ पे, मतलब रिवीन ही थी, एक बिल्कुल छोटी सी रिवीन थी भाई। इसके अंदर से मैंने अपने भाई स्टोन्स वगैरह कलेक्ट किए ताकि मैं अपना घर बना सकूं, और वहीं पर ही मुझे थोड़ा बहुत आयरन भी मिल गया और उससे मेरे आयरन के टूल्स भी बन गए भाई। तो अभी तक तो भाई सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। काम करते करते सुबह शाम कब हो जा रही थी कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाई। तो फिलहाल मैं अपने गांव के पास में भाई एक घर था उसमें पहुंचा, तो वहां पे मुझे लैक्टन और कुछ लाइब्रेरी के शेल्फ दिखे भाई, तो वो तो मैंने निकाल लिया। और साथ ही में भाई मुझे एंडर पल्स और कुछ लेदर भी मिल गया, जिससे मैं अपना बैग पैक वगैरह यानी बाकी की चीज़ें भी बना सकता था। और ऐसा नहीं कि मैं इनकी चीज़ें ही लूटता रहता था विलेजर्स की, भाई मैं इनकी हेल्प भी करता था। अबे थैंक यू तो बोल के जा नल्ले। तो विलेजर ने तो मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं भाई। आयरन से मैंने अपने कुछ आर्मर वगैरह बना लिए ताकि मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही में वो जो पेड़ था ना जिसपे से लालटेने लटकी हुई थी, उससे मैंने लालटेने भी निकाल ली भाई, अब ये मेरे घर में काम आने वाली थी। थोड़े बहुत भाई मैंने लॉक्स वगैरह इकट्ठे करने शुरू किए और लिटरली मुझे एक एप्पल ट्री भी मिला भाई, जिसपे से मुझे एप्पल मिल गए और सैपलिन भी मिल गई। रात हो गई थी तो मैं घर की तरफ जा रहा था, तो भाई घर जाते जाते मुझे एक्चुअल रिवीन दिखी जो कि मेरे घर के बिल्कुल क्लोज थी। और साथ में भाई वो एक अडोरेबल चीज भी मिली मुझे, जो कि आप लोगों ने भाई शुरू शुरू में वीडियो के देखी होगी मेरी, यानी कि एक पिकॉक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी माइनक्राफ्ट में भाई। और उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा वंडरिंग के लिए गया, तो वहाँ पे मुझे एक ऑब्सीडियन का स्ट्रक्चर दिखता है जो कि नेदर पोर्टल की तरह लग रहा था। तो भाई ये कंप्लीट तो था नहीं, और यहाँ पे भाई मुझे पता है एक चेस्ट होती है, वो मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो नहीं मिली भाई मुझे यहाँ पे कोई चेस्ट, लेकिन हाँ थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड मिल गया। और पास में एक गाँव था, तो भाई गाँव में जाके तो आपको पता ही है भाई चोरी करना हमारा पेशा है, हमारा धर्म है माइनक्राफ्ट का सबसे पहला। और साथ ही मैं अपना घर बनाने के लिए भाई लॉक्स वगैरह भी इकट्ठे करते रहता था, क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत, अभी तक मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ था। अब मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिखे जो मतलब घर की तरह बने हुए थे, और यहाँ पे एक ट्रेडर भी था भाई, ये एक बुक दे रहा था। तो भाई मैंने इससे बुक खरीद ली और इस बुक को मैं बाद में पढ़ने वाला हूँ। और हाँ इसके घर में कुछ भी नहीं था भाई। फिर मैं वापस घर पे आ गया, और हाँ यार उनको रकून को खाना भी खिलाना पड़ता था मुझे, क्योंकि वो भिकमंगों की तरह मांगते रहते थे। फिर मैंने अपना घर में भाई थोड़ी सी तेजी दिखाई बनाने में, क्योंकि यार मुझे घर बहुत जल्दी बनाना था। आसपास तगड़े तगड़े मॉब्स स्पॉन होना शुरू हो गए थे, तो भाई मैंने अपना घर पे थोड़ा सा टाइम खर्च किया क्योंकि इसको बनाना बहुत जरूरी था। अब मेरे घर के स्ट्रक्चर ने पूरा एक हवेली का रूप लेना शुरू कर दिया था, हालांकि हवेली जैसा लग नहीं रहा था। साथ ही भाई खाली टाइम में मैं पास के गड्ढे भी भर दिया करता था अपने घर के। और अभी मैंने घर बस कंप्लीट किया ही था, मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि अचानक भाई मुहूर्त के लिए एक स्केली आ गया जो कि धड़ाधड़ हेडशॉट दे रहा था मुझे, लेकिन शील्ड ने बहुत हेल्प करी मेरी। एंड भाई अब मैं आपको दिखा दूं कि मेरा घर कैसा बना है। तो फाइनली गाइस मेरे सपनों का महल जो है बनके तैयार है भाई हार्डकोर में। और यहाँ पे भाई कुछ विलेज वासियों ने भाई देखा कि इतनी अच्छी हवेली बनी हुई है, तो मेरे घर पे आके भाई जॉब करनी भी शुरू कर दी उन्होंने। हालांकि भाई मेरा घर थोड़ा बड़ा नहीं था, मतलब छोटा ही है, लेकिन भाई अभी कॉम्पैक्ट सा घर है और बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में, बिल्कुल मेरे लिए तो भाई ड्रीम हाउस ही है। और मैंने अपने घर की थोड़ी सी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी भाई, क्योंकि ये विलेजर्स जो है कुछ ज़्यादा ही दोस्ती बढ़ा रहे थे मुझसे। खैर छोड़ो, आने दो भाई, अपना क्या है। तो भाई मैंने अपना घर वर बना के बिल्कुल तैयार कर लिया था। ऊपर वाला एरिया खाली था क्योंकि वहाँ पे मैं लाइब्रेरी बनाने वाला था। और हाँ मैंने अपने लिए भाई एक माइन भी बनाई थी, क्योंकि माइनक्राफ्ट है और माइनक्राफ्ट में माइन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नीचे जाके मैं आप लोगों को माइन दिखाता हूँ कैसी है, थोड़ा बहुत मैं माइन भी कर लूँगा। और नीचे आके देखो क्या दिखता है भाई, लश के भाई, मतलब इतनी बढ़िया किस्मत निकल रही है ना अपनी भाई, एकदम मस्त यार। और वहाँ पे फिर भाई मैंने थोड़े बहुत माइनिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि माइन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अच्छे गेयर्स नहीं बना पाओगे। तो मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह भी मिल गया। साथ में मैं थोड़ा नीचे तक गया, तो वहाँ पे मैंने खोदना शुरू किया। वहाँ पे बहुत सारा लावा था भाई, मुझे लावा से डर तो लग रहा था, लेकिन भाई माइन करना भी ज़रूरी था। अब भाई मैं माइन करता गया, अंदर तक माइन करता गया, मैंने नोटिस किया कि मैं लेवल 11 पे हूँ और इस वाले लेवल पे डायमंड मिलते हैं। और जैसे ही भाई मैं देख ही रहा था कि लेवल 11 पे हूँ, तो मेरे को डायमंड भी मिल गए, और ये मेरे पहले डायमंड थे। मैं बहुत खुश था इनको देख करके, क्योंकि यार डायमंड बहुत प्रीशियस चीज़ है माइनक्राफ्ट की। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ना 2-3 से ज़्यादा डायमंड थे, और टोटल मैंने इनकी फटाफट सबकी माइनिंग कर ली। मैं देखना चाहता था कि भाई कितने डायमंड है, और फिर मैंने एक लास्ट डायमंड ऊपर वाला तोड़ा और अपनी इन्वेंट्री खोल के देखी भाई, ये पूरे के पूरे 8 डायमंड थे।
अब वो होता है ना अंदर से कि भाई जहाँ पे आपको डायमंड मिले तो वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दो, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी माइन करने वाला था, हो सकता है और भी मुझे डायमंड मिल जाए। फिर मैं घर पे आया, मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि भाई देखो माइनक्राफ्ट में मेरे को ना ऑर्गेनाइजेशन सामान बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है। तो भाई मैंने ब्लॉक्स की चेस्ट अलग लगाई, मटेरियल की चेस्ट अलग लगाई और भाई ओर्स वगैरह की चेस्ट अलग लगाई। तो मैंने बहुत सारी माइनिंग कर ली, उसके बाद मेरा थोड़ा एडवेंचर करने का मन किया। तो मेरे घर के पास में एक टावर था, अब मुझे नहीं पता ये बैटल टावर था या क्या था, लेकिन मैं इसको देखना चाहता था अंदर। तो मैं भाई बहुत डरा सहमा था, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे गेयर नहीं थे, मेरे पास कोई अच्छी तलवार नहीं थी, और डंजन से आप लोगों को पता है भाई कितने खतरनाक होते हैं। तो मैं भाई डरता डराता थोड़ा ऊपर नीचे देखा, मैंने चेस्टे वेस्टे खोल के देखे, नीचे तो कुछ था नहीं, लेकिन ऊपर भाई मैंने 300 आईक्यू को यूज़ करना शुरू किया और मैं नीचे से ही सारे स्पोनर तोड़ तोड़ के ऊपर जा रहा था। क्योंकि स्पोनर्स क्या होते हैं, एक बार स्पोनर्स तोड़ दो ना आप तो भाई ये अनलिमिटेड स्पोन नहीं होते, फिर ये लिमिटेड ही होते हैं, जितने स्पोन हो रखे हैं उतने ही। तो भाई मैं ऐसे ही कर करके एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया, क्योंकि मेरे को पता था जो मेन लूट होती है वो टॉप पे ही होती है सभी बैटल टावर के। तो मैंने भाई यहाँ पे स्पाइडर वगैरह थी, एक दो ज़ॉम्बीज थे, उनको मारा और पहुंच गया लूट तक। तो भाई पहली चेस्ट खोली मैंने और उसमें देखे मैंने ईथर ड्रैगन के एग, भाई मतलब ड्रैगन के एग मिल गए मेरे को शुरू शुरू में ही। तो भाई मेरा तो अभी तक लक्की डे जा रहा था, पहले डायमंड मिले फिर ड्रैगन के एग मिले, और जैसे ही मैं ऊपर आया भाई यहाँ पे तो गोल्ड के ब्लॉक्स की बारिश हो रखी थी भाई, और साथ में एक वेस्टोन भी था। तो सबसे पहले तो मैंने वेस्टोन निकाला, फिर भाई डायमंड के प्रीसियस ब्लॉक निकाले। तो मैं डायमंड के प्रीसियस ब्लॉक निकाल के नीचे आया ही था, तो मैंने देखा भाई यहाँ पे एक घर है और रात भी हो चुकी है, तो मैंने सोचा इस घर के अंदर जाते हैं और भाई यहीं पर अपनी रात गुजारेंगे। तो पहले तो भाई मैंने वही अपनी पुरानी आदत लूटना खसोटना शुरू किया और फिर उसके बाद सो गया। सुबह होते ही मैं वहाँ से निकल गया सारा सामान लेकर के भाई, और घर पहुँचने के बाद अपनी पुरानी आदत यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, गोल्ड का सामान गोल्ड में, ब्लॉक्स का सामान ब्लॉक्स में, और भाई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें एक अलग बॉक्स में। और साथ ही में मुझे कुछ बैरल्स वगैरह भी मिले थे भाई, अब ये बैरल भी मुझे काम आने वाले थे, क्योंकि भाई इनमें भी अच्छा खासा स्टोरेज होता है और ये भाई ब्लॉक्स के ऊपर नीचे भी खुल जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे आके मैंने माइनिंग करी, बहुत सारी माइनिंग करी, और ऑब्सिडियन की भी माइनिंग करी। अब ऑब्सिडियन की माइनिंग करनी बहुत ज़रूरी थी भाई, क्योंकि अपने को खोलना था नेदर पोर्टल और उसके लिए तो अपने को ऑब्सिडियन ही चाहिए ना। तो भाई रात हो चुकी थी, मैं माइनिंग वाइनिंग करके ऊपर आया, साथ में भाई यहाँ पे कुछ मॉब्स वगैरह स्पॉन हो रखे थे, लेकिन मैं आके सो गया, क्योंकि हार्डकोर का पहला रूल है भाई, फाइट तभी लो जब ज़रूरत हो। तो ऑब्सिडियन अब मेरे पास आ गया था, अब बनाना था अपने को नेदर पोर्टल। तो भाई मैं थोड़ा सा डिज़ाइनदार बनाना चाहता था इस नेदर पोर्टल को, इसलिए मैंने थोड़े बहुत मैग्मा ब्लॉक्स का भी यूज़ किया, क्योंकि भाई मैं कम से कम ऑब्सिडियन के ब्लॉक यूज़ करना चाहता था। तो कुछ ही देर में पोर्टल बन के हमारा तैयार था, एकदम शानदार दिख रहा था। और इसको और शानदार दिखाने के लिए मैंने कुछ स्टेयर्स लगा दी, साथ में भाई यहाँ पे मैंने कुछ शुगर केन भी उगा दिया ताकि मेरे को पेपर वगैरह मिल सके। और भाई अब मैंने हुई बना ली थी तो थोड़ी बहुत खेती वेती भी कर ली, और यहाँ पे वीट के सीड लगाने के साथ साथ मेरे पास कुछ मेलन के सीड भी थे, तो मैं ये चीजें उगाने वाला था यहाँ पे। तो अब फार्मिंग भी भाई हमारे बिल्कुल कंप्लीट सही तरीके से चल रही थी। मैं फार्मिंग करके अगले दिन भाई रेस्ट ले ही रहा था कि मेरे को याद आया, आप लोगों को भी याद होगा कि मुझे एक ईथर ड्रैगन का एग मिला था। तो भाई अब इस एग को हैच करने की बारी आ गई है, लेकिन भाई कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इस ड्रैगन के अंडे को हम ऐसे ही नहीं हैच कर सकते, इसको हैच करने के लिए हमें 260 या फिर 230 ब्लॉक तक ऊपर जाना होता आसमान में, और वहां पे फिर हम इसको हैच कर सकते हैं 3x3 का प्लेटफॉर्म बना के। अब भाई देखो मेरे को डर तो लग रहा था, क्योंकि भाई मैं हार्डकोर में इतनी ऊपर था और भाई मेरे को वो बाल्टी वाला जो ट्रिक है वो करना भी नहीं आता। साथ में भाई मैंने सोचा फिर भाई इसको थोड़ा सा इजी बनाया जाए, तो मैंने समुंदर के अंदर ही भाई इस टावर को बना दिया ताकि मैं गिरूँ तो पानी में गिरूँ। और भाई खाली टाइम में मैं मछलियाँ पकड़ता था, क्योंकि ड्रैगन जब बड़ा होगा हमारा तो उसको मछलियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो और कुछ चीज़ नहीं खाता। और मछलियाँ पकड़ने के बाद मेरे पास जो टाइम बचता था मैं उसमें ऊपर जाता था, देखता था ड्रैगन के एग को कि भाई अंडा हैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ऊपर ही बैठ जाऊं, और माइनक्राफ्ट में आप लोगों को पता है भाई आप किसी भी थोड़े से पानी में भी मछलियाँ पकड़ सकते हो। तो मैंने सोचा मैं ऊपर ही मछलियाँ पकड़ूंगा भाई, और अंडे में से कुछ आवाज़ आई क्रैक क्रैक की, और भाई देखो यहाँ पे हमारा ड्रैगन जो है वो बिल्कुल आ चुका है, बहुत ही क्यूट सा दिख रहा है, लेकिन अभी इसको अपने को टेम करना पड़ेगा, और टेम करने के लिए भाई वही मछलियाँ खिलानी पड़ेगी इसको। और फाइनली ये मेरा टेम हो चुका था, यानी 4x4 का एक ईथर ड्रैगन। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा छोटा था और अभी इसका रीग्रो भाई चल रहा था, तो ये रीग्रो में लगा हुआ था। तो भाई मैंने सोचा थोड़ी और मछलियाँ पकड़ लूँ, अब जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं मछलियाँ पकड़ता था और इसको यहीं के यहीं खिलाता था। अब धीरे धीरे बड़ा होना भी शुरू हो गया था, लेकिन ये फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ था। और हाँ, इस पे भाई राइड करने के लिए मतलब समझ रहे हो ना आप, सैडल भी चाहिए।
और भाई देखो ये पानी में टावर बनाने का फायदा, आप सीधे ही जंप मार के नीचे आ सकते हो। तो काफ़ी दिन से मैं सोया नहीं था, तो भाई यहाँ पे फैंटम भी आ गए मज़े लेने के लिए, लेकिन आप लोगों को पता है भाई हमसे क्या ही मज़े लेंगे वो। फिलहाल बीच बीच में मैं अपने ड्रैगन को आके चेक करता था भाई, लेकिन अभी भी इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा जब तक ये ग्रो हो रहा है हमारे घर के पास वाले डेजर्ट के पास में एक डंजन है, तो चलो भाई उसके अंदर चल के देखते हैं कि भाई वहाँ पे अपने को कुछ लूट मिलेगी या क्या मिलेगा। तो भाई फाइनली हम यहाँ पे आ चुके थे डंजन के पास में। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होने वाला, अभी तक तो भाई बिल्कुल शांति बनी हुई है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक भी मोब नहीं दिख रहा है। तो भाई मैं इसमें सीढ़ियों पे चढ़ा और अंदर की तरफ देखने ही वाला था कि अचानक भाई सरप्राइज़ मिलना शुरू हो गया। मतलब दो स्केली आपस में लड़ रहे थे लेकिन वो दिख नहीं रहे थे, वो इनविजिबल थे भाई। मतलब ये और भी मेरी सोच से खतरनाक होने वाला था भाई। तो भाई मुझे कोई इनविजिबल स्केली मार रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इस जगह को और भी खतरनाक बना देता है। तो भाई इनसे तो फाइट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था क्योंकि ये दिख ही नहीं रहे थे मुझे, अगर दिखे तो मैं इनको मारूँ भी, और साथ ही साथ में इनको कुछ लग भी नहीं रहा था। तो भाई मैंने सोचा कि मरने से अच्छा, गेम को दोबारा स्टार्ट करने से अच्छा यहाँ से निकल लेते हैं पतली वाली पकड़ के। तो फाइनली मुझे एक स्केली और दिखा रस्ते में जिसका वो दिख रहा था मुझे, तो भाई मैंने इसको तो टपका दिया और मैं भी टपकने से जस्ट बच ही गया भाई, वरना मैं भी टपक ही जाता। और स्केलिस से लड़ लड़ के मुझे एक ट्रिक तो आ गई थी, मुझे पता चल गया था भाई तीर कितने कितने गैप में चलाते हैं, तो शील्ड भाई मेरा पूरा साथ देती थी इस चीज़ में। खाना खाते खाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इससे पहले वाले डंजन में मैं गया था तो वहाँ पर मैंने 300 IQ यूज़ किया था, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करूँ। तो मैंने कुछ ब्लॉक तोड़े और भाई एक टावर बनाया, और टावर बना करके मैं सीधा पहुँचा इसके अंदर की तरफ, क्योंकि मुझे भाई फाइट नहीं करनी थी इन स्केलिस से, वैसे भी ये इनविजिबल थे, तो मुझे सिर्फ चेस्टों से मतलब था और मुझे सिर्फ यहाँ की लूट चाहिए थी। तो फाइनली मैं अंदर घुसने की कोशिश किया, लेकिन भाई ये तो इनविजिबल थे, पता ही नहीं चलता था कोई है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे था। तो भाई मैंने सोचा इससे तो बच बच के निकल लेता हूँ मैं, वरना ये तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो चेस्ट है ना सिर्फ वो लूट लेता हूँ मैं। तो भाई मैंने चेस्ट लूटी भाई 300 IQ यूज़ करके, वैसे क्या ही 300 IQ बोलेंगे, कोई भी कर सकता है ऐसा, लेकिन भाई दिमाग में मेरे आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए और मैं हार्ड कोर में हूँ। तो फाइनली भाई मेरे को एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड मिल गई जिसमें भाई शार्पनेस 5 वगैरह सब लगा हुआ था, और ये डायमंड की थी। तो भाई मैंने सोचा कि यहाँ पे और भी चेस्ट होंगी, तो फाइनली यहाँ पे एक चेस्ट और थी, और इसके अंदर भी भाई भर भर के खजाना था गाइस, मतलब वर्थ इट है भाई यहाँ पे आना, लेकिन थोड़ा रिस्क तो था भाई, लेकिन अपने को क्या भाई, अपने टावर वावर बना के अंदर घुस के सीधा फाइट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ मेरे को भाई एंडर पल्स की भी जरूरत अब पड़ने वाले थी, क्योंकि अब हम तैयारी करने वाले थे बड़ी चीज की। तो जब भी मेरे को एंडर मैन दिखते थे तो मैं एक छोटा सा टावर बिल्ड करके उसके नीचे बैठ के इनको इजी तरीके से मार लेता था। तो भाई अब मैं घर पे पहुंचा था, तो भाई मेरा ड्रैगन का तो चेक करना बनता है ना, तो ये अभी भी भाई ग्रो नहीं हुआ था फिलहाल, लेकिन ये बड़ा काफ़ी हो गया था और मैं इसको अभी नीचे भी नहीं ले जा सकता था भाई। और हाँ मैं नीचे कूद के ना ये बाल्टी वाली ट्रिक करने की कोशिश करता था। हाँ भाई अभी फ्लोर पे तो कर नहीं सकता लेकिन पानी में तो कर ही सकता हूँ। फाइनली मैं काफ़ी कुछ ग्रो कर चुका था, तो अभी वक्त था गाइस वो चीज़ ढूंढने का और वो एक पोर्टल बनाने का जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैंने कुछ लोरन फ्लावर्स तोड़ने शुरू किए और उनसे कुछ सीड मिलते हैं मोती टाइप के, वो इकट्ठा करने शुरू किए। और भाई जो भी मेरे शावल्स वगैरह मतलब जितने भी मेरे टूल्स थे उनको मैं रिपेयर कर लिया करता था, यार बार बार बनाने से अच्छा रिपेयर ही कर लो इनको। फिर फाइनली गाइस मेरे को काफ़ी सारे लोरन के पावर के सीड मिल गए थे और मेरे पास ऑब्सीडियन भी पड़ा था, तो अभी मैं बनाने वाला था अनस्टेबल ऑब्सीडियन और इससे बनने वाला था भाई मेरा पोर्टल। तो आप लोगों को पता ही होगा एक पोर्टल बनाने के लिए आपको 10 से 12 ऑब्सीडियन चाहिए होते हैं, तो भाई मैंने कुछ इतने ही अनस्टेबल ऑब्सीडियन बनाए और फाइनली बाहर आकर के, और बाहर जब भी आता था ना मैं अपने ड्रैगन को जरूर चेक करता था भाई, क्योंकि हर सुबह मैं अपने ड्रैगन को चेक करता था कि ये ग्रो हुआ कि नहीं हुआ। और हाँ भाई इस वाले पोर्टल को आप तभी भी बनाओ ना अगर आप ट्राई करो ये वाला मोड पैक, तो ये वाला जब पोर्टल बनाओगे ना तो इसके नीचे भाई स्टोन जरूर लगाना, क्योंकि डर्ट को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। पोर्टल हमारा बन चुका था भाई और अब भाई इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये छड़ी सी भाई लावा बकेट से और फ्लिंट एंड स्टील से बन जाती है। और अब भाई मैंने नेदर पोर्टल को भी स्टार्ट कर दिया था, दोनों ही पोर्टल मेरे जगमगा रहे थे, तो मैं जाने वाला था इस डार्क वाले पोर्टल में जिसको एबीस बोलते हैं। तो भाई एबीस में मैं आ चुका था, ये वाली जगह ना बिल्कुल ही डार्क होती है और बिल्कुल अंधेरा होता है यहाँ पे, बस ये जितने भी फ्लावर्स वगैरह ना इनकी मदद से ये आप देख सकते हो चारों तरफ, क्योंकि ये जगह पूरी की पूरी इन्फेक्टेड हो चुकी है भाई। और सच में गाइस ये इतनी जगह मतलब इतनी ज़्यादा डरावनी थी भाई क्या ही बताऊं।
बताएं। तो मैंने इसके आसपास भाई थोड़े बहुत स्टोन वगैरह लगा करके यहाँ पे इसको सिक्योर किया जगह को, और आसपास माइन करने के लिए चला गया। मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत सरफेस पे आइस क्रिस्टल मिले, लेकिन भाई मैंने यहाँ पे अपनी ही एक माइन बना ली, क्योंकि मैंने भाई रिसर्च की थी इस जगह पे आने से पहले कि यहाँ पे माइन बनाना बहुत जरूरी है। और भाई मैं माइन में खोदता चला गया, नीचे तक खोदता चला गया, और मैं भाई पहुँचा एक ऐसी मतलब केव थी ये एक तरह के, और इसके अंदर अजीब से जानवर थे। मुझे कुछ भाई ओर्स वगैरह भी मिले यहाँ से जो कि लोरन ओर थे, और मैंने इतना खोदा कि मैं डेड रॉक तक चला गया। अब गाइज अपने वर्ल्ड में जो होता है ना वो बेड रॉक होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेड रॉक होते हैं। फिलहाल वहाँ पे मेरे को कुछ डायमंड तो मिलने वाले नहीं थे, तो जो केव मुझे मिली थी उस केव में आया मैं। यहाँ पे मेरे को कुछ जेम्स वगैरह मिल रहे थे जो कि मैंने निकाले। यहाँ पे मिलते हैं भाई 6-7 तरीके के जेम्स होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि इनसे बनता है एक आर्मर, और वो आर्मर भाई सच में डायमंड से भी बहुत तगड़ा आर्मर होता है। और जेम्स की खुदाई करते करते भाई मेरे को डायमंड से भी तगड़ी चीज मिल गई, यानी कि अननोन जेम। भाई ये जैम जो है ना बहुत ही तगड़ा होने वाला था, और इसी से हमारी चीज़ें बनने वाली थी। अब यहाँ पे भाई मैंने कुछ और भी माइनिंग की, और माइनिंग करके मैं घर की तरफ चला गया। अब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें आ चुकी थी मेरी इन्वेंट्री में एबिस की, तो भाई मैंने इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भाई मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपनी इन्वेंट्री में रख ली, क्योंकि उन्हीं से ही अब हमारी चीज़ें बनेंगी। तो ये कुछ जेम्स वगैरह जो मेरे को भाई एबिस से मिले हैं, और ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दिख रहा है भाई एक दो क्लिप में है, लेकिन भाई इनको इकट्ठा करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। साथ में मैं एक तलवार बनाने वाला था जिसका नाम कुछ भी नहीं था भाई, मतलब पता नहीं क्या नाम था उसका। तलवार के साथ साथ मुझे पता चला इनसे आर्मर भी बनते हैं, और इन आर्मर का टफनेस भाई सच में गोल्ड लेवल का है। तो सबसे पहले भाई मैंने आर्मर ही बनाने की कोशिश करी, क्योंकि तलवार तो मेरे पास ऑलरेडी थी डायमंड की अच्छी। तो मैंने भाई हेलमेट बनाया, बूट बनाए, फिर उसके बाद मैंने बनाया लेगिंग, फिर उसके बाद बनाया मैंने लास्ट चीज़ चेस्ट प्लेट। और भाई जिन जेम्स से मैं ये चीज़ बना रहा हूँ ना, ये जेम्स खोजने में मुझे ही पता है कितना टाइम लगा है। तो मेरे पास पूरा का पूरा आर्मर आ चुका था, साथ में मैंने वो वाली तलवार भी बना ली, पता नहीं कौन सी तलवार थी, इसका कोई नाम ही नहीं है। तो तलवार बनाने के बाद मुझे पता चला कि ये तलवार अपग्रेड भी होती है, और जिस चीज़ से ये अपग्रेड होती है वो सारे ही जेम्स मेरे पास थे भाई। तो मतलब मेरी तलवार अपग्रेड हो चुकी थी, तो उसके अलावा फिर मैंने इसको चेक किया तो ये और भी अपग्रेड होती है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए था फैंटम सोल। तो फैंटम सोल इकट्ठा करने के लिए भाई मुझे वापस से जाना पड़ेगा उस खतरनाक वाली जगह में। लेकिन हाँ भाई अपने पास एक टफनेस वाला आर्मर तो आ चुका है, साथ में मुझे कुछ बोन्स भी चाहिए होगी जो कि टाइटन बोन होती है भाई। तो ये सब चीज़ें मेरे को इकट्ठा करनी थी एबिस में जाकर के। तो भाई मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भाई मैंने कुछ बुक शेल्फ बनाए ताकि मैं थोड़ा बहुत भाई इंचेंटमेंट वगैरह कर सकूं, क्योंकि अभी तक मैंने लाइब्रेरी नहीं बनाया था, और मेरे पास इतना अच्छा आर्मर हो चुका था लेकिन मैं उसको नहीं पहनना चाहता था भाई, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले मुझे उसको इंचेंट करना है। तो अपने ड्रैगन व्रैगन को चेक करने के बाद जो कि अभी तक ग्रो नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे अपना लाइब्रेरी बनाना शुरू किया, और लाइब्रेरी मैंने एक कॉर्नर में बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि कॉर्नर में बहुत ही अच्छा और डिज़ाइन में भी बहुत प्यारा लगता है। साथ में मैंने भाई टेबल भी बना लिया, क्योंकि टेबल के बगैर तो इंचेंटमेंट हो ही नहीं सकता। तो भाई मैंने यहाँ पे कुछ बुक शेल्फ वगैरह और लगाए ताकि भाई मुझे थोड़ा सा अच्छे लेवल का इंचेंटमेंट मिल सके, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक किया कि मुझे 24 का ही मिल रहा था भाई इंचेंटमेंट, लेकिन यार ये इनफ नहीं था, मुझे 30 लेवल का चाहिए मैक्स लेवल का। तो भाई मैंने अपने लिए एक बैकपैक भी बना लिया, क्योंकि मैं जाने वाला था एडवेंचर पे, क्योंकि मेरे पास लेवल ही नहीं थे भाई, मेरे को लेवल इकट्ठा करने थे। लाइब्रेरी को बाद में देखेंगे 30 लेवल की कैसे करना है। और ओशन में मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट टेम्पल मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे ड्राउंड थे भाई। अब मुझे ये ड्राउंड पता है भाई क्या करने वाले थे मेरे को भाई, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से पीटने वाले थे, जो कि पीट रहे थे। साथ में भाई मेरा जो शील्ड था ना वो इतने गंदे लेवल पे टूटने वाला था, और मेरी यहाँ पे डेड होने वाला था मैं ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा भाई चलो यहाँ से भागते हैं, अभी तो भागने में ही भलाई है, क्योंकि ये जो ट्राइडेंट फेंक फेंक के मार रहे थे ना भाई, वो मुझे ही पता है कि उस टाइम मेरे ऊपर मतलब दिल में धक-धक होना शुरू हो गया था। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर मैं मर जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा भाई किरकिराहट फैल जाएगी चारों तरफ, और मैं दोबारा ट्राई नहीं करना चाहता भाई। साथ में गाइस मैंने फिर सोचा कि वहाँ पे मैं माइन करके एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल वगैरह था भाई, और मैंने किया भी ऐसे ही। अब मेरे पास शील्ड आ गई थी तो थोड़ा सा अंदर से वापस कॉन्फिडेंस आया, और सोचा कि हाँ भाई अब मैं फाइट कर सकता हूँ इनसे, क्योंकि मैं एक चेस्ट तो इनकी ऑलरेडी लूट चुका था, बाकी के 3 चेस्टें और लूटनी थी मुझे नीचे जा करके जो कि टेम्पल में होती है। तो मैंने कैसे ना कैसे करके भाई शील्ड का यूज कर करके इनको मारा, और हाँ मैंने इनको मारा भी एक एक करके सबको। ये हालांकि इन्होंने ट्राइडेंट नहीं ड्रॉप किया भाई, नल्ले कहीं के। तो भाई मैं यहाँ से नीचे की तरफ गया, और नीचे की तरफ जाने के बाद जो दरवाज़ा मैंने लगाया हुआ था सांस लेने के लिए, भाई ये माइनक्राफ्ट प्रो बंदों को पता होती है ये चीज़ें, वैसे नूब
वैसे सबको पता यार, नूब हो गया प्रो, ये डोर वाले तो सबको पता है। तो पहली चेस्ट मैंने खोली, सच में गाइज मेरा दिल खुश हो गया भाई, सब कुछ मिल गया मुझे, सैडल वगैरह, गोल्ड वगैरह भाई सब कुछ। अब यहाँ से खजाना वजाना लूटने के बाद भाई मैं निकला सीधा बाहर की तरफ, और मैंने अपनी नाव वापस से लगाई और उसमें बैठा, क्योंकि अभी तक भाई मेरे को लूट तो मिल गई थी लेकिन एक्सपी मेरा अभी तक नहीं बढ़ा था। तो मैं थोड़ा आगे तक पहुँचा भाई, मैं बीच बीच में थोड़ा ये मतलब बाल्टी वाली ट्रिक भी कर लेता था, वो बात अलग है कि मतलब क्या ही किरकिरापन होता था मेरा। फिर मुझे एक घर मिला जहाँ पे मुझे बहुत सारे एनविल मिले भाई, सारा का सारा सामान मैंने लूट लिया। उसके अलावा भाई यहाँ पे एक बंदा भी था जो कि मुझे मतलब अच्छी डील नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा तो मैं लूट ही चुका था इसके घर पे। साथ में मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें नेदर स्क्रैप था भाई, भाई ये एकदम खतरनाक वाला सरप्राइज था भाई, नेदर स्क्रैप मिल गया मेरे को भाई। यहाँ से कुछ दिनों का सफर करने के बाद भाई मुझे एक वो चीज़ तो मिल ही गई जहाँ पे मैं अगले दिन रेड करने वाला था, लेकिन उससे पहले भाई अपना वो लूटना खसोसने वाला काम तो कर लूँ मैं। यहाँ पे एक घर था तो उसको मैंने पूरा लूट लिया सबसे पहले। इसमें कुछ बुक शेल्फ वगैरह भी थे, वो भी मैंने तोड़ लिए भाई, क्योंकि मुझे अपनी लाइब्रेरी भी बड़ी करनी थी। और उसके बाद मैं पीछे घूम के गया जहाँ पे मैंने वे स्टोन लगाया था, तो इस वे स्टोन से मैं पहले घर जाने वाला था भाई, क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर तो था वैसे वहाँ फाइट लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी और मेरा इन्वेंट्री भी फुल हो रखा था। अगर मेरे को वहाँ पे कुछ मिलता तो भाई मैं कहाँ पे रखता, मेरा बैकपैक इन्वेंट्री सब फुल था। तो भाई मैं घर पे आया तो मैंने सोचा अपने ड्रैगन को भी चेक कर लिया जाए भाई, कितनी उसकी ग्रो हुई कितनी नहीं हुई। बाद में मैं ऊपर आके देखता हूँ भाई, हमारा ड्रैगन जो है फुल्ली ग्रो यानी मैच्योर हो चुका था। मतलब भाई अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना इसको देख करके, मैंने खुशी खुशी में भाई इसको 6-7 एक्स्ट्रा मछली खिला दी भाई। अब भाई मैं इतना खुश होकर नीचे आया और मैंने देखा कि भाई अभी भी हमारी जो लाइब्रेरी है अच्छे तरीके से लेवल नहीं दे रही है, इतने सारे बुक शेल्फ मैं लगा चुका हूँ। तो मैंने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने सोचा भाई इसका स्ट्रक्चर चेंज करा जाए। तो मैंने इंचेंटमेंट टेबल को उठाया, उसको बीच में रख दिया, मैं कॉर्नर पे नहीं बीच में बनाने वाला था, और हुआ भी कुछ यही भाई। बीच में लगाने के बाद मैंने जब चेक किया ना इसको, पूरे 30 लेवल का दे रहा था भाई ये इंचेंटमेंट। तो अब हुई भाई हमारी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल परफेक्ट, तो अब जाने वाला था मैं लेवल के लिए। मैं लाइब्रेरी को परफेक्ट करके सो सुबह के नीचे आया था, मुझे याद आया भाई हमने फार्मिंग की थी मेलन्स वगैरह की, वो पूरे भाई अच्छे तरीके से उग चुके थे, पक चुके थे भाई, रसीले एकदम रस से भरपूर। तो मैंने सोचा भाई चलो इनको तोड़ लेते हैं, खाएंगे इनको बाद में। और साथ में मैंने अपनी तलवार को भी थोड़ा बहुत इंचेंट कर लिया और पिकेक्स को भी इंचेंट कर लिया भाई। और अब भाई मैं ऐसा लग रहा था मतलब मेरे को अंदर अंदर से कि हाँ भाई अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था वहाँ पे फाइट करने का। तो भाई मैं अपनी वो खतरनाक वाली वाली तलवार लेकर के गया उस डंजन में और वहाँ पे फाइट करना शुरू किया। अब इस डंजन पे मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ था, अब इसके नीचे कुछ होते हैं मॉब्स और ऊपर भी होते हैं। अब मैं इसके अंदर घुसा तो मैंने देखा नीचे तो कोई था नहीं, तो मैं ऊपर की तरफ गया। ऊपर इसमें भाई वो अजीब से मतलब भैंस जैसे मुंह दिखने वाले मॉब्स थे, मतलब ज़ॉम्बीज तो नहीं थे भाई, वो अलग ही मॉब्स थे। तो भाई मैंने इनको भी 300 IQ से मारने की कोशिश की और हुआ भी यही भाई, अपन ने इनको मतलब एक एक करके मारना शुरू करा और ये मरना भी शुरू हो गए, क्योंकि यही तरीका था इनको मारने का, क्योंकि इनके सबके पास भाई क्रॉसबो वगैरह था भाई, ये मेरे को मतलब मेरे को पेल भी सकते थे। और फिर भाई मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर के ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मैंने इनके चेहरे देखे अच्छी तरीके से रोशनी में, ये भाई होगलेंस थे और इनकी मतलब आवाज़ भी होगलेंस की थी, लेकिन इनका चेहरा काऊ का था, भैंस का इनका चेहरा था। ये क्या चीज़ थे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये भैंस थे क्या सुअर थे कि क्या थे ये, लेकिन जो भी थे भाई बहुत नल्ले थे। इनका निशाना अच्छा था लेकिन मेरे को नहीं मार पाई है। और भाई यहाँ पे मेरे को एक स्पोनर मिल गया, मैंने उस स्पोनर को तोड़ा नहीं और ये स्पोन हो के भाई मैंने यहाँ से बहुत सारा XP कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास बहुत सारा XP कलेक्ट हो चुका था भाई, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत आलू वालू उठाए जो कि पहले से टूटे पड़े थे भाई, पता नहीं कैसे टूट गए ये, और इनको अच्छे से भाई रीग्रो कर दिया। साथ ही में मैंने जो एप्पल के ट्री लगाए थे भाई उन पे थोड़े एप्पल भी लाल होना शुरू हो गए थे। और अब मेरे पास इतने सारे लेवल आ चुके थे तो भाई मैंने अपने आर्मर को इंचेंट करना शुरू किया। लकीली मेरे को इंचेंटमेंट भी बहुत ही बढ़िया क्लास का मिल रहा था भाई, लेकिन मेरी दो ही चीज़ें इंचेंट हो पाई फिर मेरे लेवल खत्म हो गए। फिर मैंने अपने पिकेक्स में मुझे एक बुक मिली थी वेन माइनिंग। अब ये वेन माइनिंग क्या होती है जो लोग मॉडर्न खेलते हैं उनको पता होगा भाई, जो लोग मॉडर्न माइनक्राफ्ट
नहीं खेलते उनको मैं बता देता हूँ, इससे आप एक कोल तोड़ते हो ना तो वो सारे के सारे जितने भी कोल के ब्लॉक उससे अटैच होंगे ना वो सब टूट जाएंगे, एक तरह से एक्सेवेट का काम करती है। मैं केव में आया भाई, मुझे बहुत सारे मॉब मिले, उनसे फाइट करे, थोड़े बहुत लेवल और इकट्ठा किए, और मैंने अपनी पैंट भी इंचेंट कर ली, और भाई मेरा हेलमेट रह गया इंचेंट होता होता, उसके लिए मुझे 5 लेवल और चाहिए थे, तो भाई मैंने यहाँ के नल्ले विलेजरों से ट्रेड करना और वो गार्बेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन हाँ मुझे उनसे लेवल मिल गए भाई, हालांकि वो सामान मेरे किसी काम का नहीं था, बहुत थक चुका था, तो भाई मैं सो गया घर पे आके। और अगले दिन मेरा सबसे पहला काम था ऊपर जाओ और अपने हेलमेट को भी इंचेंट कर लो, और हेलमेट में सच में गाइस मेरे को बहुत तगड़ी इंचेंटमेंट मिल गई। पता नहीं मेरा लकी इतना हाई चल रहा था कि भाई क्या था, मेरे को अच्छी इंचेंटमेंट मिल रही थी, एंड फाइनली वो खतरनाक टफनेस वाला आर्मर भाई मैंने पहना, जिसकी टफनेस आप देख सकते हो रेड कलर पे जा रखी है भाई पूरी, मतलब ये डायमंड के लेवल से भी तगड़ा आर्मर है, एक तरह से नेदरराइट के बराबर है ये। और भाई फिर वो अड़बड़ वाली जो सोड थी वो मेरे दिमाग में आई, और भाई मुझे पता चला जो सूट मैंने पहना हुआ है उसको और भी अपग्रेड कर सकते हो आप, हाई टीयर पे भी लेकर जा सकते हो। और उसके अलावा भाई मैं शील्ड पे हमेशा परेशान रहता था, तो ये शील्ड को अब मैं अपग्रेड करने वाला था आयरन शील्ड में, मतलब आयरन के शील्ड में मैंने और भी आयरन के शील्ड कर दिया, इसको मैंने इंचेंट करने की कोशिश करी, लेकिन भाई ये इंचेंट नहीं हो सकती थी, ये थोड़ी मोडेड थी। अब आप लोगों को याद है मेरी वो अड़बड़ वाली तलवार को अपग्रेड करने के लिए मुझे फैंटम सोल चाहिए, तो इसीलिए मैं दोबारा एबिस में आया, लेकिन यार एबिस के तो अलग ही सस्ते नशे हैं भाई, ये पता नहीं मैं तब भी यहाँ पे आता हूँ ना, जब भी ये एक अलग पोर्टल बना देता है, मतलब ये ग्लिच है इस वाले मोड में थोड़ा सा, जो कि डेवलपर को ठीक करना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के ज़ॉम्बीज़ वगैरह मारे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, अजीबोगरीब चीज़ें भी मारी भाई मैंने, और यहाँ के कुछ बॉस वगैरह भी है छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे बॉस, खतरनाक वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीयर वाइज होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 तक होते हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ लेवल 1 लेवल 2 के बॉस भी मारे भाई, 5 तक के तो मैं कहाँ ही मार सकता था भाई। और यार यहाँ पे ना एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हर चीज़ आपको मारने को दौड़ती है यहाँ पे, पेड़ पौधे से लेके जानवर से लेके, मतलब क्या ही बताऊँ। और फिर मुझे यहाँ पे एक विलेज मिला, विलेज तो नहीं था ये, एक घर था जिसमें भाई एक नल्ला सा आदमी सोया हुआ था, तो भाई मैंने यहाँ पे आके एक क्रिस्टल गोलम को मारा, मेरे को क्रिस्टल गोलम मिला था एक, जो यहाँ का छोटा मोटा बॉस है। और उसके अलावा मुझे गाइस टाइटन की बोन मिल चुकी थी भाई, ये एक टाइटन होता है, उसकी हड्डियाँ मुझे मिल चुकी थी, अब मुझे बस फैंटम सोल चाहिए थी, तो फैंटम सोल भी यहीं पर ही मिलते हैं, और इनका एक अलग बायोम होता है, तो मुझे फैंटम भी मिल गए। इनको मार मार के भाई मैंने सोल इकट्ठा करना शुरू किया, और यहाँ पे भी भाई शील्ड ने मेरी बहुत हेल्प करी। लेकिन गाइस अगर आपके पीछे एक से ज़्यादा ज़ॉम्बीज पड़े हो ना, तो आप भाई ब्लॉक को बिल्ड करके उनके ऊपर खड़े होकर उनको मारो, वरना वो आपको 2 शॉट में 1 शॉट में मार देंगे। फिर भाई मैं सारा का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वापस घर पे आ गया, और अब मेरे को अपने चीज़ों को अपग्रेड करना था। फाइनली काफ़ी दिन की मेहनत के बाद, पिट पिटाने के बाद भाई मेरे को टाइटन बोन मिल गई और फैंटम शॉल भी मिल गया, और अब इनसे मेरे को चीज़ें क्राफ्ट करनी थी। सारी इन्वेंट्री अपनी शॉर्ट आउट करने के बाद वो इनगट मैंने बना ही लिया, जिससे मेरी तलवार और मेरा आर्मर फुल्ली अपग्रेड होने वाला था, मतलब फुल्ली नहीं, एक टीयर और अपग्रेड होने वाला था। तो आप देख ही सकते हो भाई इनका लेवल क्या से क्या जा रहा है, इनका डैमेज क्या जा रहा है, इनकी स्पीड क्या जा रही है। बस इनकी एक ही सबसे बड़ी दिक्कत थी, मैं इनको जब भी अपग्रेड करता था तो इनकी इंचेंटमेंट सारी की सारी डिसइंचेंट हो जाती थी अपने आप ही, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसके लिए मुझे वापस से लेवल इकट्ठे करने पड़ते थे। लेकिन भाई इनका डैमेज तो देखो भाई, इनका टफनेस तो देखो भाई, ये क्या गोल्ड लेवल आर्मर है भाई, ये मुझे लग ही रहा था कि ये गोल्ड लेवल आर्मर है, लेकिन भाई मेरे को पता चला कि ये और भी अपग्रेड हो सकता है। तो भाई आप देख सकते हो ये नेदरराइट इनगट के साथ अपग्रेड हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई अब नेदरराइट भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को भाई पूरा एकदम खतरनाक वाला अपग्रेड होना था कैसे भी करके। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो नेदरराइट इकट्ठा करना था, और भाई लुक एट दिस, क्या लग रहा है भाई ये आर्मर, एकदम परफेक्टली फिट भाई, एकदम तगड़ा था ये आर्मर बहुत, और टफनेस देखो भाई इसकी, एकदम रेड हो रखा है मेरा भाई आर्मर का बार, और साथ में मुझे भाई स्पीड रेसिस्टेंस और फायर रेसिस्टेंस भी मिल रहा था, जिसकी मदद से भाई मैं अब नेदर में भी जा सकता था। और मैंने ऐसा ही किया, नेदर में गया, वहाँ पे एक वे स्टोन लगाया ताकि भाई मैं खो जाऊँ तो यहाँ पे वापस आ सकूँ। अब मैं नेदर में आ चुका था, अब नेदर को भी चलो भाई एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि फायर से मुझे डर तो है ही नहीं, क्योंकि फायर भाई, फायर का मतलब है अपने पास प्रोटेक्शन भाई। तो ब्लेज तो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे भाई, वो तो एक तरह का फ्री था, मतलब फ्री लूट था भाई,
क्योंकि ये मुझे कुछ डैमेज दे ही नहीं पा रहे थे फायर रेसिस्टेंस की वजह से। साथ में मुझे कुछ अंडरग्राउंड चेस्टे वगैरह भी दिखी भाई, क्योंकि ये बैटर नेदर है तो इसके अंदर सब चीज़ें बैटर होंगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। ये देखो गास्ट ईयर तो मेरे को भाई चेस्टों में मिल गए पड़े हुए, और साथ में भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली देखने को जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। मतलब यहाँ पे मेरे को पूरे के पूरे घर दिखे, होगलेंस विगलेंस की पोस्टें दिखी जिनको मैंने मार मार के भाई लूटा उनको। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, मैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और पावरफुल था, लेकिन अभी भी मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि भाई मैं बच जाऊँगा या मर जाऊँगा। और साथ में मुझे भाई नैदर स्क्रैप को मतलब फार्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, ये मुझे पोस्टों वगैरह चेस्टों वगैरह में मिल जा रहा था भाई, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया था। साथ में मुझे कुछ ऐसे उड़ने वाले जीव दिखे भाई जो मेरे को फायर का डैमेज दे रहे थे, जो कि उनके लिए बेकार था और मेरे लिए बहुत ही सही था। मैं नैदर से लूट वूट करके घर पे आया भाई, मेरे को थोड़ा बहुत नैदर स्क्रैप वगैरह मिल गया था जिससे कि मैं बहुत सारा नैदर राइट का इनगट बनाने वाला था और अपने आर्मर को और स्वॉर्ड को भी भाई अपग्रेड करने वाला था। तो फाइनली भाई मैंने वो इनगट बना लिया, यूरोनाइथ इनगट, जो कि इस गेम का सबसे पावरफुल इनगट है। और इस इनगट से भाई मैंने अपने टूल्स भी अपग्रेड कर लिए। सबसे पहले तो मैंने तलवारें अपग्रेड करी, यानी कि मेरी वाली तलवार को एक नाम मिल चुका था, और साथ ही में मैंने अपने आर्मर को भी अपग्रेड कर लिया। ये सच में भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट मैंने कर लिया भाई, ये बहुत पावरफुल आर्मर है। और हाँ, इससे ऊपर भी अपग्रेड होता है। देखने में ये आर्मर बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब पूरा फेस ही ढक दिया था भाई इसने। साथ में मैंने पावर एनविल और एक डिसइंचेंटमेंट टेबल भी बना ली, ये मेरे बहुत काम आने वाले थे भाई। तो मैं इतना पावरफुल हो चुका था कि भाई चेक करने के लिए इनको मतलब जो भी मुझे मिलता था उसको पेलने शुरू कर देता था, और वो 2 शॉट 3 शॉट में मर जाता था। अब मेरा ड्रैगन जो है फुल्ली मैच्योर हो चुका था, तो भाई मैंने इसके ऊपर शेडल लगाया और ये मेरी पहली राइड थी जो कि मैं इसको नीचे उतारने वाला था। मैं डर के मारे इसको नीचे नहीं उतारता कि कभी ये पानी में ना गिर जाए भाई। तो अब मेरे पास शेडल था और ये मैच्योर हो चुका था, तो भाई मैं इसको उड़ा करके नीचे लेके आया। वो सच में वो एक्सपीरियंस ना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था भाई इसको नीचे लाने वाला। अब भाई अपने पास एक उड़ने वाली सवारी हो चुकी थी, अब मैं इससे बहुत दूर दूर का डिस्टेंस इजीली कवर कर सकता था। और मेरे पास ब्लेज रोड और एंडर पल से मैंने आई ऑफ एंडर बना ली। तो अब जाने वाले थे हम एंडर पोर्टल ढूंढने के लिए, बट उससे पहले सोना बहुत ज़रूरी था। तो अगले दिन भाई मैं अपने ड्रैगन को लेकर के निकल गया, और सच में भाई इस पे उड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई। एक से एक बायोम देखे, एक से एक चीज़ें देखे, एंड फाइनली मैं पहुंच गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। अब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला था भाई। मैं नीचे गया तो नीचे लश केव थी और यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर भी मिला। वो साथ में मैं एक ऐसी जगह पे नीचे उतरा जहाँ पे बहुत सारे बैनर थे भाई, जिनमें से कुछ बैनर मैंने निकाल लिए एक तरह से यादगिरी के तौर पे भाई, क्योंकि बहुत अलग थे। आप लोगों को लग रहा है कहीं से भाई ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये तो मेरे को एक डंजन लग रहा है भाई, और ये लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ही है भाई। साथ में यहाँ पे कुछ खजाने के ऐसे एरिए भी थे जहाँ पे मुझे बहुत सारा खजाना मिला। साथ में मुझे भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया, और वहाँ पे मैंने एक वे स्टोन लगाया ताकि मैं यहाँ पे दोबारा भी आ सकूँ। और भाई सीधा का सीधा वो एक कानों को सुकून देने वाली आवाज होती है ना, ये वाली भाई, ये आवाज एकदम मतलब दिल खुश कर देती है। तो भाई मैंने खाना वाना खाया और सीधा कूद गया भाई, क्योंकि मैं पूरा तैयार था। हालांकि मेरा जो आर्मर था वो इंचेंट नहीं था, मेरी स्वॉर्ड भी ज़्यादा इंचेंट नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक अच्छा बो था। तो भाई एंडर ड्रैगन को मारना बहुत ईजी था मेरे लिए, क्योंकि क्या है यार एंडर ड्रैगन, आजकल एंडर ड्रैगन बोले या एंडर ड्रैगन ही बोले इसको, वो कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि ये एक फीमेल है और इसको भाई ईजिली आप मार सकते हो भाई। एंडर ड्रैगनी को मैंने मार दिया था, एंडर ड्रैगनी बोलेंगे इसको भाई, क्योंकि ये फीमेल है। और मैंने ऐसा पोर्टल पहली बार देखा था भाई लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। फिर कुछ फॉर्मेलिटी हुई, मैं अपने ड्रैगन को घर पे लेके वापस आ गया, और साथ में मेरे पास कुछ लेवल थे तो मैंने अपने आर्मर को बेस्ट इंचेंटमेंट के साथ इंचेंट कर लिया। और भाई मेरे को जो बैनर मिले थे ना वो मैंने घर पे लगा दिए, जो कि घर पे एकदम चांद चांद लगा रहे थे, मस्त लग रहे थे। फिर मैं नेदर गया और नेदर में मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी, मतलब ये एक ऐसा मॉब था जिसके पैर ही नहीं थे भाई, बहुत डरावना था ये भाई। साथ में मैंने भाई एक ऐसा डंजन भी ढूंढा जहाँ पे वीदर थे, बहुत सारे वीदर थे यहाँ पे, ये एक मेज थी, वीदर मेज। और भाई एक एक मतलब फ़नी चीज़ ये थी, इन वीदर्स के 3 सर थे लेकिन ये एक भी सर ड्रॉप नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ मेरे को इनसे हेड मिल गए। फिर मैंने कुछ अजीबोगरीब मॉब्स को मारे और एक वीदर को स्पॉन किया, और वीदर को स्पॉन करके मैंने नैदर में ही उसको मारा,
हालांकि मैं बोस से इसको मारने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो भाई ये मेरे हत्ते चढ़ गया तलवार के, और तलवार फिर आपको पता ही अपने भाई गोल्ड लेवल स्वॉर्ड है। फिर उसके बाद मेरे को नेदर स्टार मिला, और नेदर स्टार से मैंने एक बोस को स्पॉन किया नेदर में जो कि गास्ट था। और हाँ भाई, ये भी बोस से जल्दी जल्दी नहीं मर रही थी तो ये भी मेरे तलवार के हत्ते चढ़ गई। और तलवार के हत्ते चढ़ने के बाद जैसे वीदर का हाल हुआ था, सेम इसका भी भाई वही हाल हुआ, मतलब ये भी हिल गई भाई बहुत जल्दी। सब कुछ चीज़ें क्लियर करने के बाद नेदर से हम वापस आए, अपने टूल वूल को रिपेयर किया डायमंड एनविल में, अपने आर्मर वगैरह को भी मैंने रिपेयर कर लिया। अब जाने वाला था मैं एक ऐसी जगह पे जो कि आप लोगों भी भाई पहली बार शायद देखोगे और मैं भी भाई पहली बार ही देखूंगा। तो आप लोगों को याद है मुझे एक विलेजर मिला था गेम के शुरुआत में, और उससे मैंने एक बुक खरीदी थी, तो उसी के घर में मैं गया। उसके घर में तो नहीं, लेकिन उसके साइड में एक छोटा घर था जिसके अंदर एक पोर्टल था। तो भाई ये पोर्टल मैंने निकाल लिया जो कि भाई वेन माइनिंग लगी हुई थी मेरी पिकेक्स में, तो ये मुझे जल्दी मिल गया। और साथ में मुझे एक और घर मिला था उसके आस पड़ोस में ही, तो वहाँ से भी मुझे एक पोर्टल मिला। तो ये दोनों पोर्टल भाई मैंने लगा दिए, ये सेम ही मोड के थे लेकिन डायमेंशन अलग अलग थे। तो भाई हर एक डायमेंशन अलग होता है। और साथ में मैं उससे एक लाइटर भी खरीद के लाया था जो कि उनने मेरे को 15-20 एम्बरल्ड में दे दिया था। इससे ही ये चलता है भाई पोर्टल, और किसी फ्लिंट एंड स्टील से नहीं चलेगा। तो भाई मैं पहले इस ब्लैक वाले के अंदर गया, और यहाँ पे भाई एक अजीब से तरीके के जानवर मुझे देखने को मिले। मतलब क्या ही जानवर थे ये भाई, और उससे भी अजीब तो ये ऊँट था जो कि अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, लांबा जैसी आवाज़ निकाल रहा था और दिखने में ऊँट था। और यहाँ पे भाई मुझे एक ऐसी स्पाइडर भी दिखाई थी जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली थी। एंड फाइनली मैं उस स्ट्रक्चर पे पहुँचा जो कि एक पज़ल था भाई। मैं ऊपर गया, इसमें 4 फ्लोर थे और हर एक फ्लोर पे एक की मिल रही थी, साथ में डिफ़िकल्टी भी थी। और हाँ, यहाँ पे कुछ विलेजर भी थे। और भाई आप इन ब्लॉक्स को तोड़ नहीं सकते, मतलब ये अनब्रेकेबल ब्लॉक्स है जब तक आप बॉस को नहीं मारते। तो यहाँ पे हर एक फ्लोर पे एक चेस्ट मिलती है, उसमें की मिलती है। तो चारों की इकट्ठा करके मैं ऊपर गया और भाई उसको लगाया की लॉक में, और वहाँ पे एक बॉस स्पॉन हुआ जिसको मुझे मारना था भाई। मतलब मुझे तो पहले तो ये पावरफुल लगा जिस तरीके से इसका एनिमेशन और ये डिज़ाइन मार रहा था भाई, लेकिन हाँ ये इतना भी पावरफुल नहीं था। इसको बहुत जल्दी मैंने धराशायी कर दिया, लेकिन भाई इसको थोड़ा सा टेक्निक सीख लोगे ना मारने की तभी आप मार पाओगे, वरना मैं तो हार्डकोर में हूँ, आप सर्वाइवल में भी नहीं मार पाओगे इसको, अच्छे गेयर के साथ भी नहीं मार पाओगे इसको। तो इसका कुछ टेक्निक होता है, उसी टेक्निक से ये मर सकता है, जो कि मुझे भाई थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चल गया था। तो इससे मुझे एक शील्ड मिली जो कि बहुत बढ़िया कलर की दिख रही थी, रेड रेड कलर की, और भाई मैंने विलेजर्स को भी आज़ाद कर दिया। फिर मैं गया वाइट वाले पोर्टल में जहाँ पे मुझे अजीबोगरीब केकड़े वेकड़े दिखाई दिए भाई। यहाँ पे भी मतलब यार अजीब जानवर डालने जरूरी है क्या माइनक्राफ्ट में? लेकिन चलो ठीक है भाई, अब जानवर डाल दे तो चलो कोई नहीं। अब मुझे जिस चीज़ का भाई वेट था ना, और जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था वो मुझे बहुत जल्दी मिल गई, यानी कि वो ग्रीन वाली नेचर मेज। ये नेचर मेज है, लेकिन भाई इसमें गड़बड़ थी, मैं इसमें जा नहीं पा रहा था। और मुझे भाई नीचे एक टैग लाइन आ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा पहले। मतलब भाई मुझे यहाँ पे भी एक डंजन ढूंढना था, और यहाँ पे भी एक बॉस होता है वही जैसे मतलब वो ब्लैक वाले में था, इससे फाइट करनी है। पहले तो मुझे एक कुत्ता बॉस लग रहा था, लेकिन भाई ये कुत्ता बॉस नहीं है, मेन बॉस तो वो है बीच में ब्लैक ब्लैक कलर जो कि मैजिक से ये पता नहीं किन किन चीज़ों को स्पॉन करवा रहा है। मुझे लगा था ये वाला भी आसान होगा, इसलिए मैं मुंह उठा के घुस गया, इसको मारने लग गया। लेकिन मुझे पता चला कि भाई ये तो आसान नहीं है, इसकी टेक्निक मुझे ढूंढनी थी मारने की, क्योंकि हर एक बॉस के ना एक टेक्निक होती है मारने की, तो आप उसको इजी मार सकते हो। तो भाई इसकी टेक्निक यही थी कि इसको भाग भाग के एरोज मारते रहो, एक जगह बिल्कुल भी मत खड़े रहो, वरना जो इसके चेले चपाटे हैं ना ये आपको भाई धराशायी कर देंगे। एंड फाइनली भाई मैंने इसको मारा, इससे मुझे एक पोर्टली मिली, उससे मुझे भाई कुछ अजीब सी चीज़ें मिली, डिस्क वगैरह मिली, एक ट्रॉफी मिल गई। एंड अब फाइनली मैं मेज़ के अंदर आ सकता था। अब ये मेज़ भाई मैं तो ये कहूँगा दुनिया की सबसे, इतने बड़े बड़े मैंने मोड खेले हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी मेज़ देखी है भाई, ये मेज़ जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट थी भाई। इसमें मतलब बहुत भूल भुलैया थी, और इसमें 4 फ्लोर थे, हर एक फ्लोर पे एक की मिलनी थी, और वो चारों फ्लोर पे मेरे को 4 की इकट्ठा करनी थी। मैं बहुत घूमा, फाइनली मेरे को कीज़ मिलना शुरू हुई, और चारों की इकट्ठा करके मैं सामने एक जगह पे गया, और वहाँ पे मैंने वो की मारी और मैं पहुँच गया नेचर बॉस के पास। तो भाई इससे मेरी कुछ इस तरीके से फाइट हुई,
कि मतलब इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। हालांकि मेरे को ये ज़्यादा डैमेज तो नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरे आर्मर को बहुत ज़्यादा पियर्स कर रहा था ये, मतलब आर्मर को तोड़ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बाद में मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो एक्स होती है ना, जो कि मुझे इसी मेज से मिली है, इससे पहले इसका डोर तोड़ना पड़ता है, और फिर डोर तोड़ने के बाद इसके अंदर से ये बॉस निकलता है घूम फिर के अपनी चीज़ें भी जे मतलब मारता है जो भी इसके अटैक्स होते हैं, और फिर हम इसको दूर दूर भाग भाग के इसको मारते हैं। फिर ये गोल राउंड वाला अटैक करता है हमारे पास, और फिर ये धराशाई हो जाता है, मतलब चक्कर खा के गिर जाता है, फिर इसको हम इजी मार सकते हैं, और मैंने ऐसा ही किया। तो सब बॉस से भाई मुझे एक एक ट्रॉफी मिली थी, इससे मुझे एक ट्री मिला छोटा सा पोर्ट के साथ। फिर फाइनली मैं अपने ड्रैगन को पकड़ के भाई निकल पड़ा घर की तरफ, और भाई इन पोर्टल से मुझे अच्छा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे को एक आउल मिल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था, बहुत प्यारा था। डायमंड एनविल से मैंने अपने टूटे हुए आर्मरों को पूरा का पूरा रिपेयर करा, थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन हाँ वो रिपेयर हो गए। उसके बाद मैं वापस से एंड सिटी में गया, और अब थी भाई बारी हमारी मेन बॉस को मारने की। और हाँ, इसमें क्राउच का ऑप्शन भी है भाई, माइनक्राफ्ट में बेसिकली क्राउच का ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन इस वाले बैटर वाले माइनक्राफ्ट में है क्राउच का ऑप्शन। तो भाई मैं जैसे ही एंड सिटी में आया ना, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया एंड सिटी को देख के। हाँ, हालांकि मैंने वो बकेट वाला करने की कोशिश की, लेकिन मैं मरते मरते बचा भाई, अगर ज़मीन पर गिरता तो डेफिनेटली मर जाता। फिर मैंने ड्रैगन निकाला और भाई मैंने यहाँ पर वॉन्डरिंग करना शुरू किया। सच में गाइस ये बहुत प्यारा एंड था। कहानी हमारी एंड होने वाली थी, लेकिन कहानी को एंड करने से पहले हमारी माइनक्राफ्ट की दो चीज़ें रहती थी भाई, एक तो हमारा इलाइट्रा, दूसरा हमारा मेन बॉस। तो इलाइट्रा ढूंढने के लिए हम ये अनोखी सी एंड सिटी में आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोखी थी भाई। यहाँ पे शल्करों ने हमारा बहुत बुरा स्वागत किया, बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलत हो गई, मेरा ड्रैगन फंस गया भाई, और इस ड्रैगन पे भाई वो शल्कर वार करते रहे, और मैं अपने ड्रैगन तक जब तक पहुँचता, मेरा ड्रैगन मेरी आँखों के सामने मर गया भाई। इस अनोखी सी दिखने वाली शिप में मेरे को इलाइट्रा तो मिल गई थी, लेकिन मेरे को इतनी खुशी नहीं हो रही थी भाई इलाइट्रा की, क्योंकि यार मेरा ड्रैगन जो मेरा एक दोस्त था वही अब नहीं था मेरे साथ। चलो अब भाई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो मेरी पहली फ्लाइट थी वो ड्रैगन को हेड लेने के चक्कर में मैं नीचे गिर गया, तभी हुई मेरी, लेकिन फिर भाई मैंने इलाइट्रा को उड़ाया। हाँ, हालांकि मेरी पहली फ़्लाइट थोड़ी सही नहीं थी, मैं टकराते बचा, लेकिन उसके बाद मैं इसमें मास्टर बन गया कुछ ही सेकंडों में। और अब बारी थी मेरे ड्रैगन का बदला लेने की, अब मैं इस गेम का सबसे टफेस्ट बॉस को मारने वाला हूँ। मुझे ये नहीं पता कि अब मैं उसको मार भी पाऊँगा या वो ही मुझे मार देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हाँ कम अब मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपने आप को गॉड लेवल का बनाया है। अब मैंने एंड सिटी में अजीब से दिखने वाले एक जानवर को मारा, इससे मुझे एक शैल मिला जो कि इसके बैक साइड का होता है, उसके अंदर मुझे एक लार्वा डालना था, और ये लार्वा दो चीज़ों से बन जाता है भाई, यानी कि नेदर में एक मच्छर मिलता है उसको मार करके। अब बस मुझे इस शैल को रखना था, इसमें एक लार्वा रखना था, और वो लार्वा बनने के बाद मुझे इसमें से वो लार्वा निकालना था, और इस लार्वा को फेंकना था उस एंड सिटी की गहराइयों में, और उस सिटी की गहराइयों में डालने से इसमें रिएक्शन होता है और ये बन जाता है वॉइड वॉर बॉस। अब इस बॉस को मैं फाइट करने वाला हूँ अपने ड्रैगन के नाम, और पूरी श्रद्धांजलि है मेरी मेरे ड्रैगन को। आई होप कि मैं इसको मार पाऊँ।
फिलहाल मैंने अपने ड्रैगन की मौत का बदला ले लिया है। आई होप कि अब मेरा ड्रैगन जो है जहाँ भी होगा खुश होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बॉस को मारा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इससे मुझे कुछ चीज़ें मिली जिससे एक पिकैक्स बनती है, तो ये पिकैक्स को यूज़ करने के लिए मैं वापस से एंड सिटी में गया और आप लोगों को दिखाने के लिए कि इससे क्या होता है भाई। ये नेदरराइट से और जो इससे सामान मिलते हैं उससे बनती है, तो इससे हम हवा में खोद सकते हैं और जहाँ से भी हम खोदेंगे इस पिकैक्स से वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा जिससे कि हम अपने वर्ल्ड में आ सकते हैं। तो ये एक तरह का टेलीपोर्टर था जो कि इस पिकैक्स से ही बन सकता है। तो इससे मैं टेलीपोर्ट करके अपने वर्ल्ड में तो आया, लेकिन भाई एंडर पल ने मेरी जान बचा ली। इसने पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था मुझे मेरे घर के पास। तो फाइनली अब ये बहुत अच्छे से काम कर रही थी पिकैक्स। ये एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, इससे हम बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। और हाँ, इस पिकैक्स से मैं एक चीज़ और करने वाला था। आपको याद है गेम के शुरुआत में ये रकून जो कि बहुत ज़्यादा मेरा खाना चुराया करता था, तो इसको मैं फेंकने वाला था अब एंड सिटी में और अपना बदला लेने वाला था। हाँ, हालांकि अब ये थोड़ा गलत बात है, लेकिन हाँ मुझे ये करना था भाई। तो मैं इसको फेंकने ही वाला था कि भाई इसकी किस्मत ना इतनी अच्छी है कि ये टेलीपोर्टर ही गायब हो गया। तो मतलब ये मेरी किस्मत में लिखा है। तो अब ड्रैगन के बाद यही मेरा दोस्त बनने वाला है भाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और ये 100 डेज आपको अच्छे लगे हो, तो जिस तरीके से मैं डांस कर रहा हूँ आप भी डांस करो, अपने हाथों को डांस करवाओ और वो सब्सक्राइब का और लाइक का बटन दबा दो। एम करते हैं हम 2000 लाइक्स का। पिछली बार आप लोगों ने गोल करवा दिया था कंप्लीट, इस बार भी करवा देना भाई। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो हम भाई वहाँ पे गिव अवेज करते हैं, मतलब जो भी हम मोड पैक खेलने वाले होते हैं उसका हिंट देते हैं। अगर आप लोग अच्छा गैस करते हो तो हम भाई जीतने वाले को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।